हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टेकोटो के एक और नए वीडियो में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ न्यूली लॉन्च हुंडई क्रेटा का VFM वेरिएंट, जो कि है मेरे पास EX वेरिएंट। और ऐसा क्यों है कि ये वैल्यू फॉर मनी है, वो आप इस वीडियो में बने रहें और जानें कि ये क्यों VFM वेरिएंट है। क्योंकि इसमें आपको जो भी फीचर्स हैं यूज़फुल सभी देखने को मिल रहे हैं। आप देखें इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। फ्रंट से अगर देखें तो यहाँ पर हमको DRLs मिल रहे हैं, एंड ये कनेक्टेड नहीं है। ये फ्रंट में हमको क्रोम देखने के लिए मिल रहा है, डार्क क्रोम है ये DRL नहीं है। एंड नीचे हमको एक ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, इसमें कोई भी क्रोम वर्क नहीं है ग्रिल में, जैसा कि टॉप एंड वेरिएंट में आता है। बाकी यहाँ पर हमको हुंडई की बैजिंग मिल रही है, वो सैटन क्रोम में देखने के लिए मिल जाती है। नीचे हमको प्रोजेक्टर मिल रहे हैं, एंड एक बल्ब भी देखने को मिल जाता है, प्रोजेक्टर भी देखने को मिल रहा है हेडलाइट में। बाकी नीचे हमको कुछ भी फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। नीचे स्कर्ट प्लेट है हमारी, सिल्वर कलर की स्कर्ट प्लेट देखने को मिल जाती है। कार फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुक के साथ आ रही है, बहुत सही लग रही है। एंड साइड से भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी फील देती है कार। प्लस साइड में हमको यहाँ पर 16 इंचेस के टायर्स मिल जाते हैं इसमें, एंड ये व्हील कैप के साथ आते हैं, सिल्वर कलर का इसमें व्हील कैप देखने को मिल रहा है। अलॉयज नहीं है कार में, प्लस हमारा फेंडर पे ही इंडिकेटर है, एंड हमारा जो ORVM है वो एडजस्टेबल है, अंदर से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस जो कीज़ है आपको ऐसे दो रिमोट कीज़ देखने को मिलते हैं, एक बार लॉक करते हैं तो ये फोल्ड भी हो जाते हैं वैसे तो लॉक अनलॉक के साथ, वो अंदर से आपको ऑप्शन ऑन करना पड़ता है उसका। डोर हैंडल नॉर्मल बॉडी कलर में देखने के लिए मिलते हैं। नीचे आपको स्कर्ट प्लेट देखने के लिए मिल रही है सिल्वर कलर में, एंड ये इसका कुछ ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है कार का, काफ़ी सही ग्राउंड क्लियरेंस है कार का। क्रोम इसमें भी यहाँ पर कोई वर्क नहीं करा है, ऊपर आप देख सकते हो कोई भी सनरूफ नहीं है, एंड शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। प्लस जैसा सिल्वर फिनिश आता था हमारा पुरानी क्रेटा में, वैसा ही यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, सी पिलर तक ये कैरी फॉरवर्ड होता है। फ्रंट में हमारे इसमें डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, एंड रियर में हमको इसमें ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल रहा है। शार्क फिन एंटीना हमको इसमें ब्लैक कलर का देखने को मिल रहा है, पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिल रहा है। पीछे हमको डिफॉगर का ऑप्शन नहीं है, इसमें ब्रेक लाइट देखने के लिए मिल जाती है। प्लस हमारी यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक लाइट यहाँ पर LED में दी गई है, एंड ये कनेक्टेड दी गई है कार में, एंड यहाँ पर हमारा क्रोम में सैटन क्रोम में हुंडई की बैजिंग प्लस क्रेटा की बैजिंग देखने के लिए मिल रही है। सो बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा डिसेंट अमाउंट ऑफ बूट स्पेस इसमें देखने को मिल रहा है, पार्शियल ट्री नहीं है आपके लिए इसमें। बाकी यहाँ पर जो व्हील हमको स्पेयर व्हील मिलता है, स्पेयर व्हील हमारे यहाँ पे R16 का ही देखने के लिए मिलता है, 205/65 के रेशियो में ये टायर हमको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी हमारे टूल्स वगैरह सारे यहीं पर देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ के ग्रैब हैंडल मिलता है, यार एक चीज़ है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेटर कर दी गई है, काफ़ी हैवी फील आउट हो रहे हैं इसके डोर्स, एंड बोनट प्लस इसका बूट सब काफ़ी हैवी फील आउट हो रहा है। पीछे हमको पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल रहे हैं नीचे की साइड, एंड हमारी सिल्वर स्कर्ट प्लेट प्लस हमारी रेयर पार्किंग लाइट देखने के लिए मिल जाती है। कैमरा इस वेरिएंट में हमको नहीं दिया गया, कैमरा दे देते यार एक, मेरे को लगता है इस वेरिएंट में बस एक वही कमी है, क्योंकि अंदर के फीचर्स का वीडियो मैंने पहले कर लिया कि कैमरा भी एक होना चाहिए था। तो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। EX का जो इंटीरियर है कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है आपको। मेन्स कलर थी तो वैसा ही है जैसा आपको टॉप वेरिएंट तक मिलेगा, बट आप देख सकते हैं जो चेंजेस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये अब हमको 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि हमारे i20 वगैरह में आता है ये वो वाला डिस्प्ले मिल रहा है इसमें। एंड बाकी यहाँ पर आपको सारे बटन्स देखने को मिल रहे होंगे, एंड ये सारा ब्लैक फिनिश में देखने को मिल रहा है। साथ ही जो हमारा मीटर है वो भी यहाँ पर वही देखने के लिए मिलता है जो हमारा वरना है i20 या फिर वेन्यू में आता है। एंड वैसे अगर इसका SX में जाए तो हमको थोड़ा डिफरेंट
एनालॉग मीटर देखने के लिए मिलता है इन कंपैरिजन विद दिस वन। और बाकी जैसा है कि आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पर हमारा स्पीडोमीटर, राइट साइड पर हमारा आरपीएम मीटर दे रखा है, और इसमें बीच में सारे के सारे मोड्स हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे मोड्स हैं, करंट ट्रिप, सिंस रिफ्यूलिंग, सिंस लास्ट रीसेट, ऑटो स्टॉप, ये टाइमर होगा समथिंग का, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का होगा ये मे बी। एंड इधर आएंगे तो यहाँ पर सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, TPMS देखने के लिए मिल जाता है इसमें, और सारी वार्निंग लाइट्स हमारी नीचे ही आ रही हैं जैसा कि आप देख सकते हो। हमारा पेट्रोल मीटर वगैरह भी सब इसी में ही है, एंड डिस्टेंस टू MTB यहाँ सामने ही हमको देखने को मिल रहा है। इन स्टेयरिंग व्हील हमारा यहाँ पर डी शेप स्टेयरिंग है, एंड लेफ्ट साइड पर हमारे सारे कॉल कंट्रोल्स एंड मीडिया कंट्रोल्स हैं, एंड राइट साइड पर हमारा MID कंट्रोल है। इसमें क्रूज़ कंट्रोल देखने को नहीं मिल रहा है कार में, इस वेरिएंट में बेसिकली। और यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट एंड डी शेप स्टीयरिंग देखने के लिए हमको मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटो स्टार्ट स्टॉप प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल के स्विचेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसमें कोई स्टार्ट स्विच नहीं है, की से एंड स्टार्ट होती है कार। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर की मैंने इंसर्ट करी हुई है। हमारे सारे कंट्रोल्स यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं विंडो के और ORVM के, एंड जो डोर हैंडलिंग है ब्लैक में देखने के लिए मिल रहा है। यार इतनी अच्छा नहीं लगा मेरे को ये, अदर में जैसा मिल रहा है ना SX में सिल्वर में मिल रहा है, वो भी थोड़ा स्मूथ फिनिश में है, ये उतना नहीं लगा मेरे को। ये सब यहाँ पर हमको हार्ड प्लास्टिक में देखने के लिए मिल रहा है ये सारा का सारा। एंड इसमें अर्कमीज़ का म्यूज़िक सिस्टम देखने के लिए मिलता है, इसमें कोई भी बोस नहीं देखने को मिलेगा आपको, अर्कमीज़ देखने के लिए मिल जाता है। सीट हमारी जो है, सीट पर जो हाइट है काफ़ी अच्छी है, वैसे तो बोनट अच्छा खासा विजिबल है, बाकी आप इसकी सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली, और इसको भी कर सकते हैं आप, इसको टिल्ट एंड टिल्ट कर सकते हो इसको पीछे की साइड, और इसकी सीट की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, तो 8-way एडजस्टेबल मिलती है, बट ये मैनुअली है। और जो स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग भी आप दो तरीके से कर सकते हैं एडजस्ट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक कर सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। देखिए ये टिल्ट हो गया, ये टेलीस्कोपिक हो गया, तो ये दोनों ही तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो स्टेयरिंग व्हील भी। सीट की जो होल्डिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छी प्रीमियम दी गई है, साइड होल्डिंग मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, एंड जो लंबार सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। बाकी जो यहाँ पर थाई सपोर्ट दिया गया वो भी इनफ है, आपको ड्राइव करते हुए कोई भी इशू नहीं होगा ड्राइव थाई सपोर्ट पे भी। बाकी मेरे को इनके सबसे कूल लगा ये AC वेंट, जो इन्होंने नए AC वेंट्स दिए हैं डिज़ाइन वाइज, ये बहुत ज़्यादा कूल लग रहे हैं इस कार में, तो ये तो मेरे को नंबर 1 पे रखता हूँ मैं, इन्हें बहुत सही लगे मेरे को ये। यहाँ पर हमको मैनुअल एडजस्टेबल AC देखने के लिए मिल जाता है, हमको ये मैनुअली करना पड़ता है। एंड इसमें जो गियर नॉब है, इसका रिवर्स गियर लगाने के लिए आपको इसको पुशअप करके, इसको ऊपर खींच के फर्स्ट में लगाना होता है, तो तब इसका रिवर्स गियर लगता है। इसमें आई थिंक कोई कैमरा भी नहीं है कार में, इसी वजह से यहाँ पर कुछ आया नहीं। नीचे हमको टाइप सी स्लॉट, 12 वोल्ट चार्जिंग स्लॉट और हमारा USB चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है, प्लस थोड़ा सा स्पेस है फ़ोन रखने के लिए। ये सारा सही है मटेरियल, यहाँ पर हम अपना फ़ोन भी रख सकते हैं, ग्रिपिंग सही रहेगी। ग्लव बॉक्स हमारा नॉर्मल ग्लव बॉक्स है, एयर कूल ग्लव बॉक्स देखने को नहीं मिल रहा है हमको। 2 कप होल्डर्स, वही हमारा आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, प्लस डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है इस आर्मरेस्ट में भी। सीट की कवरिंग यहाँ पर नॉर्मल फैब्रिक की कवरिंग देखने के लिए मिल रही है, कोई भी आपको लेदर स्टिच सीट्स देखने को इसमें नहीं मिल रही है, नॉर्मल सीट्स देखने को मिल जाती हैं। आगे इसका हैंड ब्रेक देखने को मिल रहा है यहाँ पर, एंड ये सारा कंसोल हमारा ब्लैक में देखने के लिए मिल रहा है, पियानो ब्लैक भी नहीं है, नॉर्मल ब्लैक में देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर हमारे रीडिंग लाइट्स देखने को मिलते हैं, बल्ब में है, और हमारा सनग्लास होल्डर प्लस वैनिटी मिरर, IRVM हमारा मैनुअली एडजस्टेबल है डे एंड नाइट में, प्लस हमारा टिकट होल्डर भी देखने को मिल रहा है। बाकी डोर पे आपको ये 1 लीटर बॉटल स्पेस वगैरह तो देखने को मिल ही जाते हैं दोनों साइड, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं सेम है। एंड बाकी मैंने सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिए, चलते हैं हम पीछे एक बार, पीछे भी देख लेते हैं पीछे क्या क्या देखने को मिल रहा है। अभी मैं आकर के बैठ गया हूँ रियर सीट पे और देखते हैं इसमें कितना कंफर्टेबल है ये। देखिए नी स्पेस, डिसेंट अमाउंट ऑफ नी स्पेस हमको देखने के लिए मिल रहा है, कोई भी डिसकंफर्ट यहाँ पर मेरे को फील आउट नहीं हो रहा है। मेरी हाइट है 5.10 इंच, तो यहाँ पर
कोई भी डिस्कम्फर्ट मेरे को फील आउट नहीं हो रहा है। सेकेंडली जो रिक्लाइन एंगल है, रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो आराम से रेस्ट करते हुए रेयर का पर्सन आराम से बैठ सकता है, कोई इशू उसको नहीं आने वाला है। और जो सीट की कुशनिंग है, साइड की भी यहाँ की बहुत सही है, जिससे कि थाई पर भी हमको अच्छा खासा सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता, तो वो भी ठीक है, मतलब उतना नहीं है, थोड़ा और बेटर कर सकते थे, बट स्टिल डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस हमको थाई पर भी देखने को मिल रहा है। और जो सीट है, हमको अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए तो वो 60-40 के रेशियो में डिवाइड हो जाती है, आइसोफिक्स सीट्स आती हैं, एंड यहाँ पर 3 सीट बेल्ट्स मिल रहे हैं प्रॉपर, प्लस आर्म रेस्ट मिल रहा है। इस आर्म रेस्ट में क्या कप होल्डर्स हैं देखने हैं, हटा करके देखते हैं, चलो ऐसे नहीं पता चल रहा। हाँ, इसमें कप होल्डर्स हैं, तो मतलब EX वेरिएंट में आपको कप होल्डर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी देखो यार, सीट आइसोफिक्स मिल जाती है, ये भी अच्छा एक मिल गया फंक्शन कि आइसोफिक्स है, तो वो भी एक चाइल्ड सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा फीचर है। एयरबैग इसमें आपको 6 एयरबैग्स देखने के लिए मिल रहे हैं, बेस वेरिएंट से ही आप 6 एयरबैग्स देखने के लिए मिल जाते हैं कार में। एंड जो फ्रंट वाली सीट बेल्ट है ना, ये भी हाइट एडजस्टेबल है, देखो इनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये डोर पे भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सेम वैसे ही है, यहाँ पर एक स्पीकर है, ये हमारा विंडो के लिए है, प्लस नीचे ये बॉटल स्पेस देखने को मिल रहा है, ऊपर हमारे रीडिंग लाइट है, एंड एसी वेंट्स, वही टॉप वेरिएंट वाले एसी वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये सही है यार, एसी वेंट्स वैसे ही दे रहे हैं। बाकी नीचे हमको एक फ़ोन होल्डर प्लस 2 टाइप सी स्लॉट्स देखने के लिए मिल रहे जाते हैं। मेरे को अगर मैं कहूँ फीचर वाइज, ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा कूल लगा है, क्योंकि इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स आपके कवर हो रहे हैं, आपका चाहे डिस्प्ले हो, चाहे आपका MID हो, आपका डिजिटल, वो भी आपको मिल रहा है, AC भी आपको मिल रहा है, इसमें सब कुछ तो इसमें देखने के लिए मिल ही रहा है, एंड पावर विंडोज़ आपको मिल जाती है। मैनुअल वेरिएंट है ये, बाकी इसमें ऑटोमेटिक भी आता है, आप ऑटोमेटिक भी चेकआउट कर सकते हैं। कि फीचर वाइज अगर कहोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कहूँगा मैं तो इस सेगमेंट में, अगर क्रेटा में देखें तो इसमें ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, चलिए थैंक यू।